नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास के अंदर हम जो पिछली क्लास के अंदर 15 क्वेश्चंस देखे थे, जो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, उस तीसरे चैप्टर के अंदर हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 15 से आगे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन से। अगर आप किसी भाई ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास ज़रूर विजिट करिए, ताकि आप लोगों को आगे की चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, और हम इसी प्रकार से जो पिछली क्लास के अंदर जो चीज़ें बताई गई थी, वो आज उससे आगे और कुछ अच्छा बताने की कोशिश हम करेंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, ताकि हम लास्ट को बहुत ही कुछ अच्छा बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज की इस क्लास के अंदर। हमने पिछली क्लास में 15 क्वेश्चन यहाँ तक देख लिए थे, ठीक है, और इस क्वेश्चंस का थोड़ा सा जवाब थोड़ा सा हमने एक बुक के अंदर दूसरी बुक के अंदर देखा था, तो उसके अंदर जो जवाब हमारे पास मिला था, तो जो हमने जवाब दिया था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज हम इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर इस 15 नंबर से क्वेश्चन से आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो जवाब था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था, जो वोल्टेज उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि एक चालक को चुंबक के क्षेत्र में से ले जाया जाता है तो उसे हम वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी भी आर्मी किसी फील्ड के अंदर, यानी कोई जनरेटर होता है, जनरेटर के अंदर किसी फील्ड के अंदर अगर आर्मेचर घूमता है, तो वहाँ पर एक हमारे पास क्या होता है, एक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो किसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद में हमारे पास क्या उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हम 16 नंबर क्वेश्चंस है, इस 16 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, हम 16 नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऑटोमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसके धनात्मक आवेश रहता है। तो देखिए दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत ही मेहनत लगती है बनाने के अंदर, और UPPCL TG2 इलेक्ट्रीशियन 2015 के अंदर क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन हमारे पास हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कक्षा और न्यूक्लियस। ठीक है, तो एटॉमिक जो संरचना के अनुसार निम्न में से धनात्मक आवेश किस प्रकार का होता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा सा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास 16 नंबर का प्रोटॉन होगा। देखिए, प्रोटॉन जो संरचना के अनुसार जो प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए, ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत ही पुराने क्वेश्चंस हैं, और इन पुराने क्वेश्चनों में से आगे जो पेपर होने वाले हैं, उन सभी पेपरों के अंदर ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार का टेक्निकल्स क्वेश्चन पेपर हो, उसमें हर प्रकार के पेपर के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए, और वीडियो को आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि अगर लाइक आपका एक बनता है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, आप बीच में स्किप ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। देख लीजिए, ये भी UPPCL TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चंस के अंदर। 17 नंबर क्वेश्चंस है, इस 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से किस का प्रकार का गुण होना चाहिए। UPPCL TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन से पहला ऑप्शन है उच्च विद्युत शोषण गुण, यानी कि हाई इलेक्ट्रिसिटी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, न्यून पराविद्युत शक्ति, उच्च भंजक वोल्टता, उच्च चालन शक्ति। अच्छे कुचालक पदार्थ में से किस प्रकार का गुण होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च भंजक वोल्टता। देख लीजिए, हम इसके कुछ गुण और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसके गुण जो क्या होते हैं। एचएलए की जो डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ का मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और दूसरी बात, एचएलए का जो प्रतिरोध यथासंभव उच्च होना चाहिए। जो एचएलए यानी इंसुलेटर होता है उसका रेजिस्टेंस का मान भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और जो इंसुलेटर पदार्थ हैं ऊष्मा को विकृत कर सकने योग्य होना चाहिए, यानी कि उसको शोषण करने वाला होना चाहिए। और एचएलए सुदृढ़ अथवा मजबूत होना चाहिए। तो इस प्रकार से उच्च भंजक वोल्टता इसका राइट आंसर माना गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? UPPCLTGT 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन आपको दिख रहा है माइका। क्या दिख रहा है? माइका और रबर, PVC और नाइक्रोम। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विद्युत रोधन होता है इंसुलेटर होता है निम्न में से नहीं है, क्योंकि माइका है ये भी दोनों इंसुलेटर यानी कि सेमीकंडक्टर की भांति काम करता है। पीवीसी है कुचालक है, रबर है कुचालक है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? एक विद्युत रोधन सामग्री निम्न में से नहीं है, यानी कि जो ये क्या है, एक चालक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम बूझ लेता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है? ये भी UPPCLTGT 2014 के अंदर IOF यानी 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है, यानी कि जो चालक है कंडक्टर है वो कौन सा है? चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और लोहा है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होता है, इसकी जो चालक सबसे ज़्यादा किसकी होती है? चांदी की होती है। उससे कम किसकी होती है? कॉपर की होती है। और उससे कम किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। तो सबसे कम किसकी होती है? लोहा की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा इसका? डी ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर बीस है, एनर्जी गैप इन इंसुलेटर इज कुचालकों में ऊर्जा अंतराल होता है। यानी कि जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर जो एयर गैप होता है वो कितना होता है, किस प्रकार का होता है? कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, उच्च होता है या निम्न होता है या नहीं होता है या अर्धचालकों के समान होता है। ठीक है, जो कुचालकों में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जो अर्धचालक होते हैं अर्धचालकों के अंदर जो ऊर्जा अंतराल निम्न होता है, अर्धचालकों के अंदर जो एयर गैप होता है वो निम्न होता है। ठीक है, और चालकों में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, यानी कि चालकों के अंदर क्या होता है, ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। और कुचालकों के अंदर अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने चाहिए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। और अर्धचालकों के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य में मापा जाता है। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि हम किसी भी प्रकार के टेक्निकल हेल्पर इसरो, DRDO, चंडीगढ़ लाइनमैन, हरियाणा लाइनमैन, UPPCL, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, सभी प्रकार के इन क्वेश्चनों को हम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम पूरी चैप्टर वाइज इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम एक खालिस्तान बनाने जा रहे हैं। UPPCLTGT 2 इलेक्ट्रिशियन 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, डायोड है, ठीक है, और पी प्रकार का अर्धचालक है, और एन प्रकार का अर्धचालक और कुचालक है।
दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। क्यों होगा वो मैं भी आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे क्या होता है, एन टाइप प्रकार का अर्धचालक, अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन में मिला देते तो एक एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। अगर हम जर्मेनियम को बोरोन से मिला देते हैं, अगर बोरोन से मिला देते हैं तो क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। किस प्रकार का बनता है? पी प्रकार का बनता है। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, अगर फास्फोरस को अगर हम क्या करते हैं, फास्फोरस को अगर हम सिलिकॉन के साथ अगर मिलाते हैं तो एन प्रकार का क्या बनता है, पदार्थ बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हमारे पास जो होता है जो डायोड के अंदर पी तथा एन दोनों प्रकार के अर्धचालक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये 15 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, और क्योंकि यहाँ पे इन क्वेश्चनों में से आप लोगों को एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लंबे एक सीरीज तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, इनकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, यूरेका तार सामान्यतः प्रयोग की जाती है। यूरेका जो तार होता है वो सामान्यतः प्रयोग की जाती है। UPRNL TG2 इलेक्ट्रिकल 2015 और PGCIL टेक्नीशियन 14/11/2018 को पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। वाइंडिंग, अर्थिंग, स्टार्टर और हीटर। देखिए, यूरेका तार का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं स्टार्टर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है, यूरेका तार के अंदर क्योंकि सामान्यतः स्टार्टर में प्रयोग की जाती है। कॉपर एवं एल्यूमिनियम तार सामान्यतः कुंडलन में प्रयोग की जाती है। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लेना दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। जो फैक्ट क्लियर हैं उन्हीं को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉपर या एल्यूमिनियम तार सामान्यतः कुंडलन में प्रयोग की जाती है। नाइक्रोम तार सामान्यतः हीटर में प्रयोग की जाती है। जो नाइक्रोम जो तार होता है वो सामान्यतः किसमें की प्रयोग की जाती है, हीटर के अंदर, और स्टार्टर के अंदर हमेशा यूरेका तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, चालकता को निम्नलिखित में से अभिव्यक्त किया जाता है। UPPCIL TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। महो ओम प्रति मीटर, ओम और महो प्रति मीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि चालकता का जो इकाई होती है वो क्या होती है, जो चालकता होती है उस चालकता की जो इकाई है वो क्या होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलते हैं, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस का जवाब का पता है तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि हम आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो चालकता होती है उस चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, महो होती है। क्या होती है? महो होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित गुण या कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग संयोजन तारों के रूप में किया जाता है। देख लीजिए, ये भी UPPCIL, सारे के सारे क्वेश्चन UPPCIL, हम टारगेट किसका लेके चल रहे हैं, UPPCIL के लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग तारों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारे पास है, निम्न विद्युत प्रतिरोध, निम्न चालकता, उच्च विद्युत प्रतिरोध, और या एक या दो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कॉपर के या निम्न वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि ए राइट इसका आंसर होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, इसके जो गुण होते हैं, निम्न वैद्युत प्रतिरोध होता है और उच्च चालकता होती है, क्योंकि निम्न चालकता ये नहीं होगा इसका। ठीक है, और इसके बाद प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 है,
क्वेश्चन नंबर 25 है, धातु शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध, यानी कि जो शुद्ध धातु होती है उस शुद्ध धातु के अंदर अगर तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं तो उस प्रकार से क्या होता है कि प्रतिरोध के अंदर क्या परिवर्तन होता है। तो दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब, हम लोग आप लोगों का इस सवाल का जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब बताइए दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं आपको तो नहीं दिख रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए। इसका ऑप्शन है इंक्रीज यानी बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज बढ़ता है, डिक्रीज घटता है, और पहले बढ़ता है फिर घटता है, एक समान रहता है। तो देख लीजिए हम इस क्वेश्चन का जो जवाब आप लोगों को दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्यों होगा, इसका जवाब भी हमारे पास है, क्योंकि शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से, जो शुद्ध धातु होती है उसके तापमान को बढ़ाने से प्रतिरोध भी क्या होता है, तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि शुद्ध धातु की बात कर रहा हूँ, और इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पीटीसी होता है, क्योंकि अगर पीटीसी के अंदर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट एंड टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उसकी चालकता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से एनटीसी का मतलब क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध क्या हो रहा है उसके अंदर घट रहा है, और चालकता क्या होगी उसकी बढ़ेगी, तो वो हमारे पास किस प्रकार का होता है, एनटीसी होता है, एनटीसी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस प्रकार कौन सा कपास कवर लचीली केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता है, ठीक है, तो दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, निम्न में से कौन सा कपास कवर लचीली केबल के लिए विद्युत रोधन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों VIR यानी कि वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। देख लीजिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे VIR यानी कि वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एवं शेयर करिए, ठीक है। तो VIR जो हम बातें कर रहे थे इसका वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की ओर। निम्न में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है, UPSC TGT2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है इंडियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस एवं आर्सेनिक। तो मैं आप लोगों को बता दूं इस क्वेश्चन का तो जवाब होगा हमारे पास ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन हम इसकी बातें कर लेते हैं और, क्योंकि एंडियम त्रिसंयोजी होता है, ठीक है, अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है, इसलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। और आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि पांच संयोजी अशुद्धि को मिलाकर भी बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है, इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं पी टाइप के अंदर त्रिसंयोजी होगा और एन टाइप के अंदर पंच संयोजी होगा, ठीक है, पांच पदार्थ मिलाकर इसको अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, त्रिसंयोजी के अंदर एंटीमनी और आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस आर्सेनिक होता है, ये किसका होता है, एन टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। संयोजक बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है या समान होती है या पदार्थ पर निर्भर करती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस क्वेश्चन का तो जवाब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हम कैसे ज़्यादा होती है, क्यों होती है, उसका जवाब भी हमारे पास है, क्योंकि संयोजक बैंड की जो तुलना में चालन बैंड की जी ऊर्जा ज़्यादा होती है, चालक में ऊर्जा गैप शून्य होता है, चालक के अंदर ऊर्जा गैप शून्य होता है। और दूसरी बात, चालन इलेक्ट्रॉन सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, और कुचालक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कुचालक के अंदर जो ऊर्जा गैप क्या होता है, अधिक होता है,
ठीक है। और अर्धचालक के अंदर 1 से 5 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्न में से सर्वोत्तम कुचालक पदार्थ है, जो हमारे पास यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन से, चीनी मिट्टी है, रेजिन है, ग्रेफाइट है और इनमें से कोई नहीं है। निम्न में सर्वोत्तम कुचालक कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ग्रेफाइट होगा, सी राइट होगा। दोस्तों ग्रेफाइट क्या होता है, चीनी मिट्टी कुचालक, रेजिन कुचालक, इनमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट क्या है, दोनों की तरह काम करता है जो सेमीकंडक्टर के रूप में, तो यहाँ पे सुचालक पदार्थ के रूप में कार्य करने वाला कौन सा पदार्थ है, ग्रेफाइट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर एस क्लास का जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, किसके निम्न में से लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो, तो आप लोग अगर आप पता है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि हम आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए, निम्न में से किस में लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाता है, कागज़ है, कपड़ा, लकड़ी और तेल। तेल के अंदर क्या होता है, कभी भी जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस सेशन के अंदर हमने 30 क्वेश्चंस देखे हैं, उन 30 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को 1 या 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जो आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है, दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल है, और आप लोग इसको जाकर विजिट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूट्यूब लिंक हमने इस क्लास के दे रखे नीचे। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास जो टेलीग्राम जो ग्रुप है, लिंक है, वो भी हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे, तो आप दोनों को अच्छी तरीके से विजिट कर सकते हो, आप लोग अपने चैनल के ऊपर आ सकते हो डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने यार दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे जो DC थ्योरी का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।